हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज है 17 फरवरी, सुबह के 11:15 हो रहे हैं। घर पर हूँ, इसका मतलब जिम नहीं गई हूँ। आप सबको पता ही है कि इस टाइम पे हम लोग जिम में होते हैं, पर आज नहीं गई क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। एक्चुअली जब सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, ये मौसम चेंज होता है तो इनको जिम चलाने की बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। तो 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है ये, और वमिट जैसा लगता है, जी घबराता है, तो बार बार शिकंजी बना के देती हूँ। तो आज सुबह से ही हो रहा था, तो हम लोग तैयार हो गए थे। आप देख सकते हैं मैंने जिम वाली टी शर्ट भी डाल ली थी, पर फिर मैंने ही कहा कि आप रहने दो, और क्या पता फालतू में वहाँ पे आप एक्सरसाइज कर ही नहीं पाओ, फिर जाने का क्या मतलब है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, तो दिया को पहुँचाने गए। तो वहाँ से हम लोग चले गए सब्जी वाले मार्केट में, और सब्जियाँ खरीदते हुए मैं चली आई। तो मैंने सोचा कि जब लौट ही आई हूँ, और अभी मैं आलू उबाल रही थी, किस लिए उबाल रही हूँ बताऊँगी, तो मैंने सोचा कि चलो अपना ब्लॉग यहीं से शुरू कर देती हूँ। जब घर पे हूँ तो ब्लॉग शुरू करने में मज़ा आता है, जिम से आते हैं थके माते तो उतनी एनर्जी नहीं लगती। और आज कुछ खास नहीं करने वाली हूँ, पर हाँ सब्जियाँ लेकर आई हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं सब्जियाँ एक्चुअली रख रही थी, और आज मैं लाई हूँ ये बारीक वाली देशी मेथी। मेथी जब खरीदें तो देशी खरीदें, बारीक वाली मेथी खरीदनी चाहिए। तो ये लाई हूँ कसूरी मेथी बनाने के लिए, सुखाने के लिए। तो सीजन में एक बार, इस सीजन में सर्दियों में जरूर सुखवा लेती हूँ कसूरी मेथी, और डिब्बे में भर कर रख देती हूँ। तो जो भी मैं कसूरी मेथी यूज़ करती हूँ, वो आप लोगों ने देखा होगा, वो सारी की सारी घर की होती है। मैं कभी बाजार की यूज़ नहीं करती, क्योंकि बाजार वाले में ये तो गंदगी होती है, कभी कभी अगर पुराना होता है तो उसमें अंदर फंगस भी होता है डिब्बों में। तो जब से मैंने ये देखा है, तो मैं पिछले 4-5 सालों से कसूरी मेथी घर में बनाती हूँ, और वही यूज़ करती हूँ अपने वीडियोज़ में भी और हर तरह के लिए। मेरी कॉलर मुड़ रही है, और जब कैमरे में आते हैं तब बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वैसे पहन कर घूम रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा था। और भी सब्जियां लेकर आई हूँ, मूली है, धनिया है, चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। सब्जी का थैला यहीं रखा हुआ है, और ये ग्रेप्स लेकर आई थी, क्योंकि दिया की फरमाइश थी कि माँ ग्रेप्स लाना, तो ये ग्रीन वाले ग्रेप्स लाई थी मैं। दिया मेरी ग्रेप्स बहुत खाती है, फ्रूट्स खाती है, मतलब बहुत मन से खाती है। और मूली काफ़ी दिनों बाद मैं मूली लेकर आई, क्योंकि मेरी खुद की इच्छा हो रही थी मूली खाने की, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें है धनिया, पालक, और काफ़ी दिनों बाद मैं हरे पत्ते वाली सब्जियाँ लेकर आई हूँ। बहुत टाइम बाद आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैं हरे पत्ते वाली सब्जियाँ नहीं बना रही थी, मतलब मैं मार्केट ही नहीं जा रही थी बहुत दिनों से। घर कभी कभी सब्जियाँ आ जाती हैं, कुछ और बना लेते हैं, तो वो चीज़ें चलती हैं। यहाँ पर है खीरा, भिंडी, बैंगन है, तो ये सारी चीज़ें हैं। भिंडी तो बच्चों के लिए स्पेशली भिंडी आ रही है आजकल, तो बच्चों के टिफिन में ही जा रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा मन से खाते हैं। और ये मेथी है, ये बड़ी वाली है, थोड़ी बड़ी वाली, तो ये लाई हूँ आलू मेथी की सब्जी या फिर मेथी का साग वाग बनाना होगा उसके लिए। और ये मेथी अलग से लाई हूँ, सॉरी ये वाली जो मैं ये लाई थी, ये सुखाने के लिए लाई हूँ देशी वाली, क्योंकि जो देशी वाले पत्ते होते हैं उसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है मेथी की। साथ ही ये है टमाटर, टमाटर आजकल सस्ते चल रहे हैं, हमारे शहर में 20 रुपये किलो चल रहे हैं, तो मैं 1.5 किलो लेकर आई। आपकी सिटी में क्या रेट है ज़रूर बताना। तो यहाँ पर सब्जियाँ आजकल सस्ती हो रही हैं, मतलब तब प्याज भी सस्ता हो रहा है 25 से 30 रुपये किलो, और सिर्फ मटर महंगे हैं, मटर सस्ते नहीं हो रहे, मैं स्टोर नहीं कर पा रही हूँ, मटर इतने महंगे हो रहे हैं तो जो है मटर मैं स्टोर नहीं कर पाई ज़्यादा। बहुत सस्ते आते हैं, बहुत बार्गेनिंग करते हैं, तो 100 के 3 किलो, तो देखती हूँ कैसे स्टोरेज होता है, नहीं होगा तो नहीं करूँगी, सफल वाले यूज़ करूँगी। तो कुछ यूँ है आज का सीन, अभी फिलहाल कुछ नहीं बनाना। रात में मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी, मेरा व्रत था कल दुर्गाष्टमी का, आपने ब्लॉग में देखा होगा मेरा डिनर रूटीन। तो पनीर की सब्जी बची है, लगभग आधे से थोड़ी सी कम बची है, तो दीदी और भैया को रोटी के साथ वो दे दूँगी, और अपने और इनके लिए दाल और ब्राउन राइस, बाकी कुछ भी नहीं, आज का सीन नहीं है। और हाँ, बच्चों के टिफिन के लिए थोड़ी सी गोभी की सब्जी बनाई थी, उसकी शक्ल आपको दिखाती हूँ। और बच्चों की सब्जी जो होती है वो टेस्टी बहुत लगती है, जब बनाते हैं तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। थोड़ी सी आलू गोभी की सूखी सब्जी बची है, तो बच्चों ने जो है फरमाइश करी थी दिया ने कि माँ टिफिन में भी पूड़ी देना, तो छोटी छोटी पूड़ी और आलू गोभी की सब्जी दिया लेकर गई हैं, मोना ने खा लिया, थोड़ी सी बची है, इतना ही बच्चे खाते हैं, बच्चों का हो जाएगा। तो आज फिलहाल मैं अभी कुछ खाना बनाने के मूड में नहीं हूँ, हाँ कुछ और बनाऊँगी, वो ये कि जो हलवाई भैया हैं हमारी शॉप पर, रेस्टोरेंट पर, उनका मैंने बुलाया है कि मुझे दाल की कचौड़ी बनाना सिखा दो, दाल की कचौड़ी और प्याज की कचौड़ी। तो आज मैं बनाऊंगी प्याज की कचौड़ी उनके साथ मिलकर, वीडियो भी बनाऊंगी, और दाल की कचौड़ी कल बनाऊंगी। तो मैंने कहा डेली उनसे कि धीरे धीरे मुझे आप एक एक चीज़ जो मुझे नहीं आती है वो बनाना सिखा दो, और वो समोसा कचौड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनाते हैं, तो इसलिए मैं आलू उबाल रही हूँ। उन्होंने बोला कि प्याज की कचौड़ी जो बनेगी उसमें थोड़ी सी आलू मिलाएंगे, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सारी तैयारी करके रखती हूँ, प्याज चॉप करूँगी, आलू उबाल लिए हैं, मैदा भी है, कुछ मार्केट से नहीं लाना, तो मैंने कहा भैया आप आ जाना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है 2:30 बजे आऊँगा तो आपको सिखा दूंगा। मैंने कहा थोड़ी सी बना देना, 5-6 कचौड़ियाँ, मैं वीडियो बना लूँगी और सीख भी लूँगी कि आप स्टफिंग कैसे बनाते हो।
और ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ये बहुत अच्छी सब्जियां बनाते हैं, बहुत अच्छी सारी चीज़ें बनाते हैं, तो इसे सीखने में बहुत मज़ा भी आता है मुझे खासकर, और वीडियो बनाने में। तो बस ये है आज का सीन, आज ये सारे काम हैं। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर अभी मैं जो सब्जियाँ रख रही हूँ, और कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो है एक ही पॉलीथीन में, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं भिंडी बैंगन खीरा सब एक ही में था। तो मैं सबको क्या करूँगी कि अलग अलग करके रखूँगी, और जो जैसे ज़रूरत होती है उसे बाहर भी निकाल देती हूँ। जैसे खीरा है तो दिया स्कूल से आती है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए और खीरा देख कर खुश हो जाती है। तो खीरा जो है मैंने दो बाहर निकाल दिए हैं कि एक मोना भी खा लेगी साथ में, एक दिया खा लेगी। दो खीरे फ्रिज में डाल दूँगी, और बहुत ज़्यादा ठंडे फ्रूट्स होते हैं तो बच्चों को नहीं देती हूँ, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चों को नुकसान कर जाता है। और अभी इस बॉक्स में, मतलब इस जो पॉट है, इसमें मैं रखूँगी ग्रेप्स। ग्रेप्स मैं लेकर आई थी, तो ग्रेप्स में सारे एक साथ ही खाली कर रही हूँ, क्योंकि ग्रेप्स फ्रिज में रखते हैं तो थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो और सीजन का फ्रूट है तो लाई हूँ, तो इसे जो है हाथों हाथी सबको खाने को दे दूँगी। मूली वगैरह है तो मूली के पत्ते मैं आज निकलवा के ही लाई थी, क्योंकि पत्ते जो है बहुत ख़राब मिले थे, पीले से मिले थे, तो मैंने कहा इनको यूज़ नहीं करूँगी, दुकान वाले से निकलवा दिया था। और धनिया है, उसे जिप लॉक बैग में डाल रही हूँ, क्योंकि धनिया जो मिली थी वो एकदम सूखी थी, पानी बिल्कुल भी नहीं था, अदरवाइज़ पानी होता है। तो मैं पहले न्यूज़पेपर पर फैलाती हूँ सब्जियों को, उसके बाद से जो है जिप लॉक में डालती हूँ। तो धनिया आज काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सूखी मिली है मुझे, तो मैं इसे डायरेक्ट जिप लॉक में डाल रही हूँ। और कभी कभार पेपर लगाकर या कपड़ा लगाकर बॉक्स में रखती हूँ, कभी ऐसे रखती हूँ, कोई एकदम प्रॉपर रूल नहीं है कि हाँ मुझे इसे ऐसे ही रखना है। तो बस यहाँ पर धनिया को मैं रख दूँगी, और जिप लॉक बैग में भी मैं देखती हूँ कि काफ़ी टाइम तक धनिया एकदम फ्रेश रहती है। और अभी आपने देखा कि मैंने ज़मीन पर ही कुछ पीली पत्तियाँ थी वो डाली है, एग्जैक्टली काम वाली दीदी आ गई थी तो उन्होंने बोला कि भाभी आप डाल दो, मैं कचरे जो है धूल में मतलब झाड़ू में ले लूँगी। तो बस यहाँ पर मैं ऐसे ही कर रही थी इस टाइम पर, और धनिया को साथ ही छाट भी रही हूँ, और बस रख कर और फटाफट से जिप लॉक बंद कर दूँगी तो हो जाएगा काम आसान। और अभी जो है मैं लगी हूँ छाटने कसूरी मेथी के लिए, जो मेथी लेकर आई थी देशी वाली वो छाट रही हूँ, और इसे छाटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कभी कभी हालांकि गंदा होता है तो टाइम लग जाता है, पर आज जो मैं मेथी लेकर आई थी वो एकदम साफ थी, 1.25 किलो की लगभग मेथी है। तो बस यहाँ पर इसे तोड़कर फटाफट से रख लूँगी, और इसके बाद से जो है हाथों हाथ इसे धुल दूँगी, क्योंकि अभी मेथी में बहुत ज़्यादा पानी वानी नहीं है, तो धुल कर रखूँगी, अच्छे से पानी झड़ जाएगा, उसके बाद से कर लूँगी इसको फैलाने की तैयारी। और अभी एक साइड मैंने दाल चढ़ा दी है, तो दाल का ढक्कन नहीं लगाया है। जब दाल में उबाल आती है तब ढक्कन लगाती हूँ, इससे क्या होता है कि दाल बफा कर बाहर नहीं आती। तो और अभी जो है मेथी छट छाट रही हूँ, थोड़ा थोड़ा अलग अलग बर्तनों में रख रही हूँ कि जिस जिसमें धुलना होगा उसमें धुल कर अपने छन्ने में लगा दूँगी। तो यहाँ पर दाल के ढक्कन लगा दी है, और बाकी मेथी को भी छाट लूँगी, और इसके बाद से जाऊँगी सिंक के पास, जहाँ पर मैं सारी मेथी को आज ही धुलूँगी, एक साथ ही फैला दूँगी। तो यहाँ पर अभी मेथी को जो है धुल रही हूँ, और एक राउंड की मेथी आप देख रहे हैं कि एक छन्ने में डालकर उस साइड रखी हुई है, और मेथी को कुल 2 से 3 पानी धुला था। तो ये फर्स्ट पानी में बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं है, फिर भी मैंने 2 से 3 पानी धुल दिया कि साल भर की चीज़ है, मिट्टी होगी तो पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो मैंने जो है 3 पानी धुला था, और अभी 1 पानी धुला, दूसरा अभी तीसरा निकालूंगी तो फिर छन्ने में डाल दूंगी। और बहुत साफ मेथी थी, ना ही कचड़ा था ना ही मिट्टी थी ज़्यादा। तो बस अब ये फाइनल निकाल रही हूँ, और 2 से 3 जो है बास्केट में मैंने मेथी को निकाल कर रखा ताकि पानी छड़ जाएगा, फिर जो है फैलाऊंगी। और आज इसे मैं फैलाऊंगी नीचे ही पंखे की हवा में, पंखा चलाऊं या ना चलाऊं, पर मेथी को नीचे ही फैलाती हूँ, धूप में करती हूँ दूसरे दिन, वो भी अच्छे से कपड़े से ढककर। तो आप लोग को वो भी दिखाऊंगी मैंने इसे कैसे ढककर धूप में फैलाया है। तो बस यहाँ पर मेथी को छान कर और फिर मैं कर लूँगी ब्रेकफास्ट की तैयारी। पर हमारी सारी मेथी 3 टोकरी में धुल कर तैयार है, तो 3 अलग अलग तरह की टोकरियां आपको दिख रही हैं, वो मैंने धुल कर रख दी हैं एक साथ। और इसके बाद से हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं अपने स्प्राउट्स निकाल रही हूँ, तो पहले मैं गिनकर बादाम किशमिश निकाल देती हूँ, तो कभी 6 कभी 8 कभी 9 जैसा भी बादाम होता है वैसे मैं जो है 2 कटोरी में निकाल देती हूँ, किशमिश निकाल लेती हूँ। और चने के स्प्राउट्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हुए हैं इस टाइम पे, तो चना और मूंग के स्प्राउट्स हो गए हैं, साथ ही उसमें मूंगफली होती है तो मूंगफली में स्प्राउट्स नहीं होते। तो बस ये निकालूंगी और 2 कटोरी में डाल लेती हूँ, और काला नमक डालूंगी, नींबू का रस डालूंगी, तो बस हो जाएगा हमारा ब्रेकफास्ट तैयार। तो चलिए ब्रेकफास्ट करके फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी जो है बज रहे हैं दोपहर के 12, और मैं इस समय चाय पी रही हूँ, दुकान से चाय बनवा कर मंगवाई है अपने कप में,
बहुत मजा आता है कभी कभी। और साथ ही है मेरे पास मैदे वाली नमकीन, बहुत टेस्टी बनी है, ये भी दुकान की है, आप लोग भी खा लीजिए। मैंने सोचा कि मैं चाय पी रही हूँ, आप लोग को पिला देती हूँ, पर ये बिना चीनी की चाय है। और अभी काम वाली दीदी नहीं आई है तो पर्दे आप देख सकते हैं कमरे के ऐसे ही लटके हुए हैं, रात में मेरी आदत है पर्दे उठा कर रखने की, दीदी जब काम करके जाती हैं फिर उसके बाद से सारे पर्दे वापस से गिरा देती हूँ। चलिए अब दिया के आने का टाइम हो गया, दिया आ रही होगी, आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और अभी यहाँ डाइनिंग टेबल पर मैंने बिछा ली है एक बेडशीट साफ, क्योंकि मेथी है साल भर की चीज़ है तो इस सफाई से बनाती हूँ, तो डाइनिंग टेबल को पहले पोछा उसके बाद से जो है इस पर बढ़िया से एक साफ बेडशीट बिछाई है, और सारी टोकरी का जो मेथी है वो लाकर इस पर डाल दूंगी और उसके बाद से जो हाथों से ही फैला दूंगी, तो दिन भर ये इसी तरह रहेगी। बच्चों से स्पेशली बचा कर रखती हूँ क्योंकि बच्चे जो पत्ते फेंकते हैं, तो आज जो है सबको ताकीद कर देती हूँ दीदी को भैया क्योंकि देखना बच्चे छूने ना पाए। तो बस दिया के पापा भी दिया को लेने जा रहे थे, वो इसी से रिलेटेड कोई बात कर रहे थे और मैं यहाँ पर मेथी फैला रही थी, मैंने कहा दिया को लेकर आओ तब तक मेरा ये भी काम हो जाएगा। तो बस अभी आप जैसा कि देख रहे हैं हल्के हल्के हाथों से मेथी को बस ऐसे ही फैला देंगे, और पंखे का मौसम हो तो आप पंखा चला लें, पर मैंने पंखा नहीं चलाया था क्योंकि हल्की हल्की सी ठंड हो रही थी, तो मैंने कहा मेथी ऐसे ही सूख जाएगी और दूसरे दिन इसे ले जाऊंगी छत पर फैलाने। तो बस जैसा कि आप देख रहे हैं गीली गीली मेथी है और पानी पूरी तरह से नहीं छड़ता, टोकरी में रखने के बाद भी थोड़ी गीली होती है, तो जो बेडशीट है वो भी गीली हो जाती है, पर हाँ बेडशीट पर कोई तरह का दाग नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि जो बेडशीट आप यूज़ कर रहे हैं वो ख़राब होगी मेथी फैलाने से, जी नहीं, बेडशीट एकदम सही रहती है, उसे धुलकर फिर यूज़ किया जा सकता है। तो बस मेथी को फैला रही हूँ यहाँ पर। और अभी हो गया है दोपहर का टाइम, जब हलवाई भी आ गए हैं आलू प्याज की कचौड़ी बनाने, जी हाँ वो आलू प्याज की कचौड़ी बना रहे थे और थोड़ी सी तैयारी उन्होंने करके रखी थी, प्याज में चॉप कर दिया था और यहाँ पर उन्होंने शुरू कर दिया स्टफिंग बनाना। तो आप देख रहे हैं ट्राईपॉड में मेरा दूसरा मोबाइल लगा हुआ है, मैं रेसिपी वीडियो भी शूट कर रही थी और साथ ही ब्लॉग की वीडियोज़ भी आप लोग के लिए शूट कर रही हूँ। तो जो कचौड़ी बनी थी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी आप लोगों को। और अभी किचन में मैं यहाँ पर स्लैब पर जो है आधा लगभग बैठ जाती हूँ या फिर खड़ी रहती हूँ, तो पूरा ध्यान होता है कि कोई चीज़ मिस ना हो, कोई इंग्रीडियंट मिस ना हो, और भैया को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो देती रहती हूँ, बाकी बनाने का काम उन्हीं का होता है। तो यहाँ पर ये चल रहा है और इस बहाने मुझे भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल जाती हैं हलवाई भैया के बहाने से, और उनका हाथ एकदम सधा हुआ है, आपको पता ही है जो लोग शादियों में खाना बनाते हैं तो उनका हाथ कैसे होता है, एकदम सधा हुआ नपातुला हाथ होता है, कुछ भी नापने की ज़रूरत नहीं होती है, बस मुझे वॉइस ओवर में बताना होता है। तो यहाँ पर स्टफिंग वो तैयार कर रहे हैं और अभी प्याज के साथ जो है बेसन भून रहे हैं, और पूरी रेसिपी के लिए आपको मेरे चैनल पर आना पड़ेगा, फूड रेसिपी चैनल पर, वहाँ पर मैं इसकी पूरी रेसिपी डाल दूँगी। तो अभी भैया ने जो है कचौड़ियाँ जो है हाथ से दबा दबा कर और तलना शुरू कर दिया है, और वो यहाँ पर इस कढ़ाई में तल रहा है, उनका जो है हाथ है वो बड़ी कढ़ाइयों पर सेट है पर फिर भी वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी छोटी कढ़ाई में एक बार में उन्होंने 3 कचौड़ियाँ डाली थी और काफ़ी अच्छी कचौड़ियाँ बनाई थी, बहुत ही टेस्टी आलू प्याज की कचौड़ी, मतलब प्रॉपर प्याज की नहीं बनाई थी क्योंकि आलू थी, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है आलू प्याज की नाम दे देना, अब इसको आलू प्याज की बना देता हूँ। तो बस यहाँ पर आलू प्याज की कचौड़ियाँ बन रही हैं। और अभी ये है शाम का टाइम, मतलब रात का टाइम लगभग 7-7:30 का, जब हमने कचौड़ी चड़ी खाई थी, मतलब घर में बाकी सबने खाई थी पर मेरे हस्बैंड थोड़ा कम ही खाते हैं, आप सबको पता ही है, तो उन्होंने बोला कि चलो हम लोग बाद में रात में डिनर में खा लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने ड्रेस चेंज कर ली है, आपको दिख रहा है, और अब मैं कर रही हूँ किचन की सफाई क्योंकि तेल वेल जो है काफ़ी उछल कर गिरता है कचौड़ी चड़ी बनाते हैं, तो यहाँ पर मैं जो बचा हुआ तेल है उसे डिब्बों में शिफ्ट कर दूँगी और कढ़ाई को माँजने में डाल दूँगी। तो तेल काफ़ी ज़्यादा था तो ये जो है 2 डिब्बों में आया था, तेल बच जाता है इतना सारा तो क्या करें, फेंक भी नहीं सकते, मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि हेल्थ के लिए सही नहीं है पर हर बार इस तरह फेंक नहीं सकते, तो इसी तरह से तलने में ही यूज़ आ जाएगा। दिया भी है किचन में आके देख रही है, झाँक रही है माँ क्या कर रही है। तो बस यहाँ पर ये चीज़ चल रहा है, इसके बाद से मैं करूँगी अपने गैस चूल्हे की सफाई। और अभी जो है गैस पे काफ़ी ज़्यादा तेल थोड़ा सा साइड से भी गिर गया था क्योंकि कढ़ाई छोटी थी और कचौड़ियाँ बड़ी बड़ी थी, फूल फूल कर बाहर आ रही थी, तो इसलिए पहले मैंने एक बार ड्राई कपड़े से चूल्हे को पोंछ दिया है क्योंकि एक साइड जो है तेल काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद से मैं करूँगी ये विम लेकर स्क्रबर से अच्छे से सफाई, क्योंकि आप सबको पता ही है
कि जो है ये कुक टॉप जो है मैं अक्सर जो है इस तरह से विम से या सर्फ से साफ़ कर लेती हूँ, जिससे चमक जाता है, काफ़ी अच्छा नया सा हो जाता है। स्टील का होने का यही फ़ायदा है कि आप इसे आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो बस इसे साफ़ करूँगी और बस गीले कपड़े से दो बार पोंछ देती हूँ तो मेरा जो कुक टॉप है एकदम चमकने सा लगता है, नया हो जाता है। और अभी डिनर में भी मैंने कचौड़ी की प्रिपरेशन ही करी थी क्योंकि कचौड़ियाँ काफ़ी बनी थी, मतलब 8-10 कचौड़ियाँ थी जो सफिशियंट थी हमारे घर वालों के लिए। तो अलवाई भैया ने मुझे बताया था कि कचौड़ियों को कैसे सर्व करें, तो जो चटनी और मीठी चटनी थी वो भी उन्होंने तैयार कर दी थी। तो मैंने कहा चलो आज सबको डिनर में यही दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं कचौड़ियों को कट कर रही हूँ और उन्होंने बताया कि आप इसे सीजर से कट किया करो, क्योंकि जब हाथों से तोड़ते हैं तो कचौड़ियों के बड़े पीस होते हैं और वो मुँह में खाने में मतलब जाते नहीं हैं, स्पून से उठते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं जो है प्लेट लगा रही हूँ, तो बस मैंने दो कचौड़ियाँ तोड़ कर डाली हैं, इसके ऊपर से मैंने मसाले वाली दही डाली है। तो सब कुछ वो तैयार करके चले गए थे, बस मुझे यहाँ पर ब्रेस प्रेजेंट करना था। तो दही डाल दी है मसाले वाली और ये दही एकदम अलग टाइप की होती है, इसकी रेसिपी मैं सीखूंगी फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। तो बस यहाँ पर कचौड़ियों की चल रही है, प्लेट लग रही है, डिनर की तैयारी हो चुकी है। तो आप लोग भी कचौड़ी की प्लेट खा लीजिए और आज के ब्लॉग की एंडिंग मैं यही करती हूँ। आप सबसे मिलूंगी अपने नए और अच्छे से ब्लॉग में। तो अभी यहाँ पर जो है दही के बाद डाली है मीठी चटनी, फिर हरी चटनी डालूंगी। तो इस तरह से करके बस ये प्लेट पूरी हो जाती है। ऊपर से आप प्याज डाल सकते हैं, हरी मिर्च, धनिया है, जो पसंद हो आपको वो डालें। तो बस ये कचौड़ी की भरी हुई प्लेट आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलूंगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।